Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, first term of a cone per base, jo example hai, main aapko example batata hoon. See, example is, a container opened from the top and made up of a metal sheet. Ek container hai, jo ke kya hai, open hai top ki taraf se and made up of a metal sheet. Is in form of frustum. ये frustum of a cone की form में है, जिसकी height कितनी है 16 cm और इसका जो radii है, radii of its lower and upper ends are 8 cm, lower का 8 and upper का 23 cm, जो के open, respective. आपको बताना है, find the cost of the milk which can completely fill the container. आपको cost of the milk बतानी है, जो के completely fill कर दे, यानी के volume आपको यहाँ पे निकालना होगा. साथ ही student, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एट रेट यहाँ पर जो कॉस्ट है 20 rupees पर लीटर के हिसाब से जो है यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें आपको फिल करना है मिल्क जो इस कंटेनर में. आगे कहता है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर. आपको कॉस्ट ऑफ मेटल शीट भी बतानी है जो इस कंटेनर को बनाने के लिए लगेगी, जिसके लिए आपको क्या निकालना होगा, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दिस कंटेनर निकालना. और शीट किस हिसाब से लगाई जा रही है स्टूडेंट, शीट का रेट है 8 rupees पर 100 cm². तो ये आपका शीट है. Now, first of all, तो हम डायमेंशन की बात कर लें. यहाँ पे डायमेंशन क्या क्या है स्टूडेंट, हाइट ऑफ द बकेट यानी फ्रस्टम क्या है, दिस इज 16 सेंटीमीटर. साथ ही रेडियस ऑफ टॉप दिस इज 20 एंड रेडियस ऑफ बॉटम 8 सेंटीमीटर बेस एंड टॉप का. अब वॉल्यूम ऑफ बकेट, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल्क करना है तो वॉल्यूम ऑफ बकेट पता होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच इंटू R1² + R2² + R1 × R2. यहाँ सारी वैल्यू रख दीजिए, 1/3 3.14, ये पाई की वैल्यू मैंने रखी, 16H है एंड 20 R1 R2 8 एंड 20 × 2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, 10449.9 cm³. अब जो हमें मिल्क बनना है उसका प्राइस जो है लीटर के अंदर दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर के अंदर चेंज कर देंगे हम, और लीटर के अंदर करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कराएंगे सेंटीमीटर क्यूब को, तो आपको क्या मिलेगा 10.449 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10.45 लीटर जो है इसके अंदर मिल्क आएगा. अब एक लीटर की मिल्क की कॉस्ट कितनी थी 20, तो 10.45 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, दिस इज ये है आपका, मैं करेक्ट करा देता हूं, दिस इज 10.45 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी 20 × 10.4, जो कि ₹209 आएगी अप्रोक्सी. अब हमें ये भी बताना था कि जो यहाँ पर शीट लगने वाली है उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए मैं स्टूडेंट बता देता हूँ आपको, आपको सरफेस एरिया ऑफ बकेट निकालना. लेकिन सरफेस एरिया ऑफ बकेट में आपका क्या होगा, मैं आपको बता दूं, सरफेस एरिया ऑफ बकेट में आप अगर देखें बॉटम का ये वाला पार्ट तो आएगा, बट जो टॉप है, टॉप ओपन है तो वहां नहीं लेंगे. तो दैट मीन्स आप क्या निकालिए, कर्व सरफेस एरिया और बॉटम का एरिया ये ऐड करा दीजिए, कट सरफेस एरिया ऑफ बकेट प्लस एरिया ऑफ बेस ये आप निकाल दीजिए. कट सरफेस एरिया ऑफ बकेट क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 + R2, दिस इज R1 एंड प्लस बेस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस इज पाई R2 का स्क्वायर. अब यहाँ पे L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर एंड R1 R2 एज इट इज, जो यहाँ मल्टीप्लाई कराई थी आपने, दिस ये मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट. साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई R2² ये आपका ये वाला सेक्शन. नाउ अब यहाँ पर सारी डायमेंशन लिख दीजिए, डायमेंशन पाई की वैल्यू H 16 है, R1 20, R2 8 है एंड R1 20 8, देन दिस 3.14 पाई की वैल्यू 8 × 8, सॉल्व करेंगे 22/7 एंड 16² 20 - 8 कितना हो जाएगा 12² एंड दिस इज 8² 12² 20 - 8 = 12² ये आया एंड 20 + 8 = 28. अब यहाँ 7 से आप 28 को क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा. अब 22 यहाँ पे आ गया, ये कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 400, जो कि आपका कितना आएगा 20, और 20 की मल्टीप्लाई जब 22 × 4 में करेंगे 1060. यहाँ पर आप जब निकालेंगे 3.14 × 8 × 8 ये कितना आएगा, दिस ये यहाँ आ गया, दोनों को ऐड कराया दिस. अब स्टूडेंट जो कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ शीट टू मेक बकेट क्या है, 100 cm³ के 8 rupees. तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल को मैं 100 से डिवाइड करा दूंगा 8 से मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट कितनी आएगी शीट, 1.56.8.